इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की न्यूज। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। हेल्थ केयर एंड शेयर संस्था द्वारा 9 अप्रैल दिन रविवार को सिंधु पैलेस BTI ग्राउंड के सामने थर्ड फ्लोर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में विश्व स्तरीय अनुभवी नाड़ी वैद्य डॉक्टर हिमांशु तिवारी बैंगलोर वाले अपनी सेवा प्रदान करेंगे। यह प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलता रहेगा। इस शिविर में डॉक्टर तिवारी जी नाड़ी देखकर सटीक जानकारी देते हैं और इसका इलाज आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा करते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। संस्था के अध्यक्ष ओम तीर्थानी एवं महासचिव देवराज गुरनानी ने इस शिविर की विस्तृत जानकारी दी एवं अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाने का आगाज किया। नमस्कार, आप सबको निवेदन है और सूचित करते हुए यह हर्ष हो रहा है, हमारी संस्था हेल्थ केयर एंड शेयर, जिसके महासचिव श्री देवराज गुरनानी जी हैं और अध्यक्ष में ओम प्रकाश तीर्थानी, हमारी संस्था आप सब से निवेदन कर रही है कि हम 9 तारीख को दिन रविवार सिंधु पैलेस में सवेरे 7 बजे से रात के 7 बजे तक हम कैंप का, नाड़ी विशेषज्ञ कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सुप्रसिद्ध विश्व स्तरीय नाड़ी वैद्य श्री हिमांशु तिवारी जी बेंगलोर से आ रहे हैं। नाड़ी वैद्य जो आ रहे हैं उन्हें बहुत अनुभव है और नाड़ी देखते ही, उसका परीक्षण करते ही वो सारी बीमारियां और सारी चीज़ें बताते हैं और साथ में उसका इलाज भी बताते हैं। हमको नाड़ी परीक्षण क्यों कराना चाहिए? आप देखेंगे कि आपके घर में खाना एक जगह बनता है, एक व्यक्ति दुबला रहता है, एक व्यक्ति पतला रहता है बहुत ज़्यादा, एक व्यक्ति थोड़ा सा मोटा हो जाता है, एक व्यक्ति मध्यम रहता है। भोजन तो हम सब एक ही करते हैं, फिर ऐसा क्यों? आपको जानकारी होगी कि पैदा होते समय ही हमारी प्रकृति तय हो जाती है, वाता पिता कफ जिसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति में वात है तो इसका मतलब हमको क्या खाने से परहेज करना चाहिए। अगर हमें ये प्रकृति पता चल जाए नाड़ी देखने से कि हमें वाता है, तो जो चीज़ों से वायु बनती है हम उन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा वाता पिता कफ बैलेंस रहता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को पित्त प्रवृत्ति का होगा, उसको गुस्सा जल्दी आता होगा, भोजन देर से मिलने से गुस्सा होता है, तो हमारा स्वभाव भी नाड़ी से पता चलता है। खान पान हम तय कर सकते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। जैसे कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसे ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जब तक हमें ये नाड़ी पता नहीं चलती है, उसकी प्रकृति पता नहीं चलती है, तो हम उस तरह से आहार नहीं कर पाते हैं। और ऐसा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें इस नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ जो आ रहे हैं उनका लाभ उठाएँ, अपनी प्रकृति भी पता करें और हमें क्या आने वाले समय में बीमारी आने वाली है ये भी पता चलता है। क्या आप सबको पता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं? तो पहले ज़माने में ये विद्या के द्वारा ही सारा लोगों का इलाज किया जाता था। अब विद्या प्रायः धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, पर हमारे हिमांशु तिवारी जी जो है बहुत ही विश्व स्तरीय स्तर पर लोकप्रिय हैं और काफ़ी अच्छा आपको अनुभव लाभ होगा उनसे। तो हमारा निवेदन है कि सिंधु पैलेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने सबको मैसेज किया हुआ है ग्रुप में, अगर किसी को संपर्क करना हो तो नंबर है 9826145999। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार और, 9826145999। इस नंबर पर आप संपर्क कर मुझसे आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज